एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। होप यू लिंग ग्रेट। हम भी एकदम बढ़िया हैं। सुबह निकल पड़ी हूँ अपने वर्कआउट के लिए, और रात थोड़ी बारिश हुई थी, उस वजह से बहुत ज़्यादा उमस हो रही है और डबल गर्मी है जितनी कल थी ना, उससे ज़्यादा ही फील हो रही है मुझे। तो सुबह एकदम डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, तो प्लीज़ पानी का ध्यान रखें बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बर्ड्स की आवाज़ आप सुन पा रहे हो? अगर यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज करके आ चुके थे घर, और उसके बाद ना आज बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया हम लोगों ने, कुछ ज़्यादा ही हो गया। 2 घंटे का वर्कआउट सेशन था, तो बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहे थे। तो पहले मैंने अपने पैरों पे मसाज कराया इससे मशीन से, और फिर मैं प्रवेश के पैरों पे कर रही थी। इतनी अच्छी है ना ये, इतना रिलीफ करती है। लेकिन तभी अच्छी है अगर आप लिटरली वर्कआउट कर रहे हो, एक अच्छा खासा वर्कआउट सेशन दे रहे हो अपना, और पेन आपको मसल्स को रिलीफ करने के लिए बहुत बढ़िया है। हम दोनों को इतना आराम हो जाता है, इवन मैं तो ना सोने से पहले ज़रूर 5-10 मिनट करवा के इससे मसाज, और फिर इतनी बढ़िया नींद आती है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये आई थिंक हमने डीकैथलॉन से बाय किया है, तो आप स्टोर से जाके बाय कर सकते हैं। आई थिंक के 7-8,000 के बीच का पड़ा है, मुझे फिक्स प्राइस नहीं पता, बट इसी बीच में है इसका रेंज। अगर जिनको जानना उनके लिए बता रही हूँ, बट वर्थ इट है बहुत ज़्यादा। जो वर्कआउट वगैरह करते हैं या फिर रनिंग वगैरह करते हैं उनके लिए, मेरे ना पैर वाले जो नीचे एंकल के पास होते हैं ना, एरिया बहुत दर्द होता था, और नीचे बहुत ज़्यादा दर्द होता था, पूरा दिन पैर ना ऐसे दुखते रहते थे। तब से यह है ना, मैं ना, और इसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि आप खुद से भी अपने पैरों पर मसाज कर सकते हो। सो गाइस, वर्कआउट से आ चुकी हूँ और सुपर टायर्ड। करते हैं, इतना टाइम नहीं है कि मैं जाके पहले शावर लूँ, इसलिए पहले मैं चॉपिंग करके जा रही हूँ और आटा वाटर करके, उसके बाद शार लेके फिर खाना वाना बनाएंगे। और देखो, काम आपको सारे ही करने हैं। मुझे लगता है लड़कियों के ऊपर कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब करते हैं अपना काम, और आप भी मोटिवेटेड रहिए और पुश करिए अपने आप को, सब चीज़ें हो जाती हैं। और मैं लिटरली बस आई हूँ और आके हल्का सा फ्रेशन अप करा फेस, और उसके बाद शुरू करी चॉपिंग। आज बनेगी शिमला मिर्च रोटी। तो या और वर्कआउट का वीडियो आई थिंक मैं ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, अच्छा नहीं लगता मेरे को, फिर ना फोकस नहीं कर पाते अब एक्सरसाइज पे, तो पूरा फोकस एक जगह रहे वही बेटर है। और अभी टाइम 8 बज गए हैं, आज थोड़ा लंबा था सेशन इसलिए थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, और जैसे ही थोड़ा लेट हो जाते हैं ना तो सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। राजा सिंह मुझे लग रहा है कि मेरे साथ होने वाला है, क्योंकि ब्रेकफास्ट भी है अभी और लंच भी है, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो शाल पहले मैं बीच में एक बार चॉपिंग के बाद लेकर आऊँगी, फिर बाकी चीज़ें देखूँगी, क्योंकि उससे पहले तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगी, ऐसा मुझे फील हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने कर दी है अपनी फटाफट चॉपिंग स्टार्ट। आज का दिन ना, आप लोग कहते हो ना आप इतने मोटिवेटेड रहते हो, डिसिप्लिन से वर्कआउट करते हो, ये वो, आजकल मैं सबके कमेंट्स आपको पता ही है, मैं आप सबके कमेंट्स और रिप्लाई ज़रूर करती हूँ, तो मैं वही पढ़ रही थी। और आज ऐसा दिन आया कि मुझे इतना डिमोटिवेटेड फील हो रहा था, मैं वर्कआउट तो कराई थी लेकिन आने के एकदम बाद फिर वो घर के काम दिखते हैं ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। कभी कभी लगता है ना कि यार बस उड़ के अपने घर चले जाओ, तो आज मैं वही वाली फीलिंग आ रही थी, बट ठीक है। फिर मैंने कहा यार खाना तो बनाना ही है, फिर फटाफट मैंने शुरू किया खाना बनाना। यहाँ मैं बना रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ, और शिमला मिर्च की सब्ज़ी मुझे बहुत बढ़िया लगती है, बल्कि ये तो मैंने नॉर्मल वाली बनाई, वो स्टफ़ जो शिमला मिर्च की सब्ज़ी होती है वो बहुत टेस्टी लगती है। कभी मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इन फ्यूचर।
अगर आपको चाहिएगी तो। और यहाँ मेरा लाल टमाटर जैसा मुंह रखा है आजकल, सब औरतें जो भी हैं जो कुकिंग करती हैं उन सबको सैल्यूट है लिटरली, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और फिर भी हम लोग सबके लिए जो है अच्छा बढ़िया खाना बनाते हैं, तो हमसे ज़्यादा सुपर वुमेन कोई नहीं है। और यहाँ मैंने ये सब्ज़ी बना के निकाल दी है और रोटियाँ भी बना दी हैं और बस पैक करके अब मैं लंच के लिए फ्री हूँ। अब मैं एक बार शावर ले लूँगी ना, फिर मेरा बिल्कुल कुछ काम करने का दिल नहीं करता है। और वर्कआउट करके आते हैं ना तो थोड़ा रेस्ट भी बॉडी को चाहिए होता है, तो वरना बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो मैंने यहाँ रोटी वगैरह भी पैक कर दी, प्रवेश का लंच अलग से पैक कर दिया था, तो मेरा काम हो गया है सुबह सुबह ख़त्म। और फिर ये वोटिंग वाला डे है और बिल्कुल सरप्राइज, जो पहले दिखा रहे थे ना कि पोल से बिल्कुल ही अलग आया, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी चीज़ें। देन हम शाम को मम्मी को लेकर गए डिनर पे। मैंने डिनर में जस्ट सैलेड खाया और कुछ भी नहीं खाया बिल्कुल भी। और यहाँ मैं भी मेन्यू में देख रही थी कि मैं क्या मंगाऊँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं कि मैं जो मंगा सकूँ। मैंने सिर्फ ग्रीन सैलेड ऑर्डर किया और वही खाया। परवेश ने फिर सोया चाप और पास्ता वगैरह ऑर्डर किया, तो फिर वही सब ने खाया। एंड मैंने इसलिए नहीं खाया क्योंकि लेट हो गया था, तो मैं 6:30 के बाद बिल्कुल नहीं खाती हूँ कुछ भी। पर सैलेड मैंने इसलिए खा लिया था क्योंकि थोड़ा खाली खाली ना लगे। और फिर मैं यहाँ थोड़े बहुत फोटोज़ रील्स बनाने लगी, वो आपने इंस्टाग्राम पे देख ही लिए होंगे, वरना मैं यूट्यूब पे शॉर्ट्स में भी डाल दूंगी। एंड कभी कभी आप रेडी होके जाते हो ना, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेते हो, उसमें ऐसे लगता है कि हाँ बस हो गए थे यार, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, बस जस्ट एक लिपस्टिक लगाई। और लिपस्टिक लगाते ही अच्छी फीलिंग आ जाती है। ये मस्त सी सोया चाप थी, दिखने में जो अच्छी लग रही है, बट मैंने खाई नहीं है। और खुद पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। सो अब इस वीडियो को, आई नो छोटा वीडियो बना है, बट इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।